me introduce our respected guest before starting further proceeding. Mia Mohammad Idris is the CEO of Sitara Chemical Group as well as CEO of Alif TV. Mohammad Idris is responsible for overseeing the overall operation and strategic direction of the company and Alif TV. Under his leadership, these institutes are likely focused on innovation, sustainable practices, and expanding its market presence both domestically and internationally. As you know, that Sitara Chemical Industries is a group leading chemical company based in Pakistan. The company operates in various sectors of the chemical industry, including textile, petrochemical, agrochemical, and specialty chemicals. Sitara Chemical Industries have a strong commitment to sustainability and environmental issues, and these industries are recognized with several awards and certification. Overall, Sitara Chemical Industries play a crucial role in the chemical industry of Pakistan, serving diverse sectors and maintaining a strong focus on the quality, sustainability, and social responsibility. On the other side, the Alif TV is a cutting-edge television network that brings you the latest news, entertainment, and educational content. We strive to provide our viewers with a diverse range of the program that caters to their interest and keep them informed and engaged. I request to my IT person, first of all, to run a video related to a person, father of Mia Idris, Mia Bashir, who was responsible, and this is just a tribute to Mia Bashir. Yes, sir. So please see this video and get inspired from all those efforts done by this group and this family for the society of Pakistan. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. हाजी बशीर साहब केम इन UMT एंड दे डिलीवर्ड अ सेमिनार ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गाइडेड अवर स्टूडेंट्स एंड अगेन लाइक वी आर हियर वी आर टू लर्न समथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दिस फैमिली फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ मिया इद्रीस. नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड Director General UMT, Mr. Abid Sherwani sir. Bismillahir Rahmanir Rahim, Namadu Nasalli Ala Rasulil Kareem. Sabse pehle main apne dil ki atha gehraiyon se apne University of Management Technology ke tamam stakeholders, जिसमें हमारे असातिज़ा इकराम हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे अलुमनाइज़ हैं और हमारे बेशुमार दोस्त हैं, उन सब के बिहाफ पे मैं आज के एक दरख्शंदा सितारे जनाब मियां मोहम्मद इदरीस साहब को इस इदारे में, जो ये भी इन्हीं का इदारा है, मैं उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ. उनके रफ़ाकाकार जो तशरीफ़ लाए हैं उनके साथ, मैं उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ. और हमारे लिए आज बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मियाँ साहब हमारे लिए, सबके लिए, इस पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ. आप उनका किसी तरह से भी 360 डिग्री जायज़ा ले लें, एज ए ह्यूमन लें, एज ए मुसलमान लें, एज एन एंटरप्रेन्योर लें, एज ए लर्नर लें, एज ए मोटिवेटर लें, एज ए इनोवेटर लें, कोई भी आप जिंदगी के पहलू को सामने रख लें,
आपको इनकी चमक दमक सितारों की तरह नजर आएगी। मुझे अभी डॉक्टर हामिद जिक्र कर रहे थे और अभी जब मुझे बताया गया कि मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई मियाँ साहब की वो जो इनके वालिद मरहूम यहाँ तशरीफ़ लाए थे, वो एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था और हमारे जो फाउंडर थे डॉक्टर हसन मुराद साहब ने ख़ास तौर पे उन्हें रिक्वेस्ट की इनके वालिद मोहतरम को कि आपने अपने साथ बच्चों के साथ और अपने पोतों के साथ तीनों जनरेशन को यहाँ पे लाना है। तो ये मियाँ बशीर साहब फिराना सानी सारी के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए, मियाँ साहब तशरीफ़ रखते थे साथ, इनके जो कज़न थे जावेद अजीज़ साहब वो तशरीफ़ लाए, इनके बेटे हसीब जिसका भी आपने ग्लिम्प्स देखा जो हमारे इस दक्षिणा ग्रुप के वलीहद हैं और बड़े ही डायनामिक माशाल्लाह नौजवान सीओज़ हैं, वो तशरीफ़ लाए और अपनी ज़िंदगी को इन्होंने खोल के बताया कि हम ने किस तरह से, उसमें दो बातें मैं सिर्फ अर्ज़ करूँगा। एक बात तो ये की कि एक बच्चे ने इनसे क्वेश्चन किया कि मियाँ साहब आपने ये कारोबार शुरू कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो पाकिस्तान बना था, हम माइग्रेट करके आए थे, छोटे छोटे बिजनेस थे, यहाँ पे इस्टेब्लिश बिजनेस ही नहीं थे, तो पूरे पाकिस्तान में या जो फैसलाबाद जो आज हमारा टेक्सटाइल का मैनचेस्टर कहते हैं वहाँ पर कोई मेल ही नहीं थी टेक्सटाइल की, तो कहते हैं वहाँ छोटी छोटी ये खड्डियाँ लूमें बनती तो हम उनसे प्रोडक्ट लेते और बेचते थे जाके। तो एक दो दफ़ा मुझे मेरे जो वहाँ के ग्राहक थे उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी ठीक नहीं, इसका रंग उतर जाता है, ये होता है, तो कहते फिर मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना ये काम करूँ, ये मुझे जिसको हम पंजाब में लामा क्यों देता है मैंने। तो उन्होंने फिर इस तरफ उन्होंने कहा जी फिर मैंने इसको क्वालिटी कॉन्शियस है ना कि जो चीज़ दे रहे हैं तो उसकी शिकायत नहीं आनी चाहिए थी, उन्होंने कहा मैं शिकायत को दूर करना क्योंकि मेरे वो कंट्रोल में नहीं थी क्वालिटी, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैंने ये खुद काम शुरू किया। और मियाँ दरी साहब ने जैसे अभी इंटरव्यू में कहा कि मैं उनके साथ साइकिल पर बैठ कर, तो मुझे कहते थे जी छोटा जहाँ छोटे छोटे हाथ सन थे तो ये को गठड़ी गिर जाती सी बाज गात है जी, वो हचकोले खाते थे साइकिल। अब देखें बाप की मोहब्बत, बाप की मासूमियत और बाप की फिलेशन, जो इन्होंने बात की कि माँ बाप की फरमा बरदारी ये बहुत बड़ी तरबियत है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकते वो चीज़ें जो आपके माँ बाप आपको तरबियत देते हैं सबसे पहले, तो उसी चीज़ को इन्होंने आगे किया। वो तीन नस्लें इसी हॉल में तशरीफ़ फरमा थी और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरीज बताई इस तरह से। देखें इनका ग्रुप का नाम सितारा और ये एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, सिर्फ केमिकल नहीं है, टेक्सटाइल इनके पास है, एनर्जी इनके पास है, इसके बाद रियल स्टेट इनके पास है और ह्यूमैनिटी को जिस तरह ने सर्व किया, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, इसके अलावा हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। और अभी ये बता रहे थे और बड़ा मुझे एक बड़ी अंदरूनी खुशी मुझे लगती, रूहानी खुशी कि इनका जो हॉस्पिटल है वो पाकिस्तान के टॉप 7 हॉस्पिटल में शुमार होता है, इसे ग्रेट अचीवमेंट, कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और यही इनकी एक मेहनत और जो कमिटमेंट इन्होंने की और जिनके वालदैन के साथ इन्होंने फरमा बरदारी भी निभाई और जिस तरह वालदान ने इनकी तरबियत की वो उनका अक्स है जो इनके झलक रहा है आप हर जगह। तो मैं ज़्यादा देने हमें तो इनको सुनना है, ये हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमारे लिए पाकिस्तान के भी मोहसिन हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को ये चला रहे हैं, इसके हज़ारों लाखों लोग इनके साथ वाबस्ता हैं और हमारे लिए सुपर हीरो हैं, हमारे सुपर स्टार्स हैं और आज ये स्टार हमारे दरमियान है,
तो अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तरक्की दे, सेहत दे, और इनके अंदर मज़ीद एनर्जी पैदा हो, और इनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी पाकिस्तान के लिए अपने बाप दादा का उसी तरह नाम रोशन करें जैसे ये रोशन कर रहे हैं। ये रोशन सितारे, ये मेरे और आपके। मियां दरी साहब जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच सर। बात क्योंकि सितारों की हो रही है और सितारा मिल की हो रही है और उन सब सितारों की हो रही है कि जो मियां बशीर साहब ने, मियां इदरीस साहब ने चमकाए और ग्रूम किए और सोसाइटी के लिए आगे डिलीवर किए। सो टुडे इदरीस साहब इज़ हेयर फॉर शेयरिंग द सक्सेस स्टोरी, फॉर शेयरिंग द आइडियाज़, फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस कि जो उन्होंने अपनी मुश्किलात में रहते हुए अपनी यकीन की ताकत से हासिल की। तो मैं बस उन्हें बुलाने ही जा रहा हूँ कि उन्होंने इस बात पे यकीन रखा कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो ये वो लोग हैं कि जो बहके नहीं, जो मायूस नहीं हुए, जो मुल्की हालात से परेशान नहीं हुए, जिनका कॉन्सेप्ट डिलीवर करना था, जिनका कॉन्सेप्ट जो है वो मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इस लेवल पर हैं कि लोग उनको सलाम करते हैं, लोग उनका एहतराम करते हैं। आज हमारे दरमियान मियां साहब मौजूद हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आइडियाज़ को हमारे स्टूडेंट तक मुंतकिल करें, अपनी एनर्जी को उनके दिमागों में ट्रांसफ़र करें, अपने ख्यालात को उनके ख्यालात बनाएं, ताकि वो आने वाले दिनों के सितारे बन सकें और सितारा मिल की तरह अपनी मिल कहीं बना सकें। सर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबियीन। मोहतरम आबद शेरवानी साहब, डायरेक्टर UMT प्रोजेक्ट, मेरे नहायती काबिल एहतराम असातिज़ा, स्टूडेंट्स, मेरे साथ आए हुए, मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में बहुत ही मावन ब्रिगेडियर अमर सुहेल साहब, मेरे अलिफ टीवी के CEO और दीगर मोजज़ीन, प्रेस मीडिया ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ आबद शेरवानी साहब का, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि अपनी मोहब्बत में बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि मेरी उनके साथ पुरानी रफाकत है, एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है उनके साथ, और ये रिश्ता ड्राइव हुआ हसन मुराद साहब, अल्लाह उनको रीके रहमत करे, और उसके बाद फिर नई जनरेशन आबद साहब ही वास्ता बने इब्राहिम के साथ, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। ये रिलेशनशिप आपने अभी देखा UMT के साथ, वालिद साहब मेरे आए और उन्होंने यहाँ पे आप ही की तरह आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन किया और गुफ्तगू शनीद की। मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया जब इन्होंने ये मुझे सरप्राइज़ दिया, जो इन्होंने वालिद साहब की ये झलकियाँ दिखाई, तो मुझे पूरी उनकी ज़िंदगी का स्केच जो है इन सेकंड्स मेरी नज़र से गुज़र गया, और इसी तरह गुज़र गया जैसे वक्त गुज़र गया और मुझे पता नहीं चला बचपन से लेके उनकी ज़िंदगी तक। और फिर एहसास होता है, और ये बात आप सब के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि वक्त कैसे गुज़रता है। एक स्टेज पे जाके आपको लगता है कि ये सेकंड की बात थी, ये वही सेकंड की बात है जो अभी मुझे महसूस हुई कि एक लाइफ का एक उन्होंने मुझे झलक दिखाई, लेकिन मेरी नज़रों में मेरे बचपन से लेके उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वो पूरी की पूरी लाइफ सेकंड्स में मेरे पूरे दिमाग में पूरे फिल्म जो है मेरे जहन से में चल गई, और उसके बाद एहसास होता कि अच्छा मैं यहाँ से इतना था, इतना हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। और ऑनेस्टली बाय गॉड आई एम स्टिल लर्नर, आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न
कि लाइफ को किस तरह से अच्छे तरीके से गुजारा जा सकता है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, दूसरों के लिए भी। तो क्या दूसरों के लिए ना करें? बात लीडरशिप की होगी, टीम की होगी, लेकिन बात बहुत सारी इधर उधर भी हुई। मैं अपने अक्सर गेट टुगेदर्स में एक बात कहा करता हूँ कि अपने लिए जीना तो ऐसे ही है जैसे जानवर अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए जीना इंसानियत है। अगर आप स्पिरिचुअली अपने दिल और दिमाग में ऑनेस्टली ये चीज़ बिठा लें, आप ना चाहते हुए भी आपके आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। आप कोई चीज़ पढ़ लें, लेट्स से मोबाइल फ़ोन की ऑपरेटिंग मैनुअल पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें, वो भी मैनुअल है हमारा, कोई बुक पढ़ लें, और उस बुक में अगर आपके लिए कोई इंस्ट्रक्शन जाए जो आपको इम्प्रूव करती हैं, आपको बेटर करती हैं, आपके बिहेवियर को, और आप उसको सदके दिल से पढ़ रहे हैं, तो बिलीव मी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप उस किताब को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। अगर आप 100% नहीं तो 10% मेरा बिलीव है कि आप उस पर अमल ज़रूर करते हैं। अगर आपने किताब को दिल से पढ़ा है, ये जान के पढ़ा है कि मुझे इससे कुछ लर्न करना है, सीखना है, इसलिए कोई भी चीज़ हो वो खुद ब खुद आपके कंडक्ट को, आपके बिहेवियर को, आपके करेक्टर को इम्प्रोवाइज़ कर देती है। बिजनेस, उसके कोई ऑब्जेक्टिव है तो फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप रूल्स ऑफ गेम बनाते हैं। पूरी कंपनी के अंदर मेरे पास दो शोबे हैं जो मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट, बाकी कोई शोबा मेरे ख्याल में नहीं है जो मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करता हो। एक लैब मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, लेबॉरेटरी, जो मुझे बताती है कि मेरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, जो मुझे बताती है कि मेरे कस्टमर्स जो है उसकी अगर कोई कहें किसी कोई कंप्लेंट आई है तो कंप्लेंट को मैंने सुनना है, और दूसरा ऑडिट है मेरी कंपनी का, ऑडिट मैनेजर जो है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो जनरल मैनेजर है, उसने मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करना है। जो क्वालिटी है उसमें मेरे पास जो मैंने जिस पे मेरा मेरी जॉब जो है वो है मेरे अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट को सुनना और उसको एड्रेस करना, और वो मैंडेटरी है मेरे मैनेजमेंट में कि वो 24 आवर्स मेरे पास होनी चाहिए, मेरी टेबल पे होनी चाहिए, और उस जो कंप्लेंट है उसको फिर एड्रेस करने के लिए मुझे ब्रिगेडियर साहब जो है वो मुझे असिस्ट करते हैं, और उस वक्त तक वो कंप्लेंट ऐसे ही है जैसे FIR कट गई है मेरे पास, और वो उस वक्त तक उसको एड्रेस नहीं होना जब तक वो मुझे उसकी सेटिस्फैक्ट्री ना मिले, वो ओपन है। वीकली मेरी मैनेजमेंट मीटिंग्स होती हैं, मैनेजमेंट कमेटी की, उसके अंदर उसका स्टेटस अपडेट होना है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस करते हैं, उसकी क्वालिटी का चेक एंड बैलेंस वो बहुत मैटर करता है आपकी इंडिविजुअल सर्विस पे या उस कंपनी पे जो वो कंपनी कर रही है। लीडरशिप क्या है? आप ही में से बाज़ लोग कुछ ना कुछ काम करने का अलग से पैशन होगा। आप घर में रह रहे हैं, आप अपनी क्लास में रह रहे हैं, आप अपने दोस्तों के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अगर तो आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं एंड यू आर फाइन विद दैट, तो आप एक नॉर्मल लोग हैं। और अगर आप में से कोई एक कहते नहीं, मैंने इस एनवायरनमेंट को चेंज करना है, और चेंज हो सकता है, इम्प्रोवाइज हो सकता है, और वो उसको करने के लिए आगे बढ़ता है, वो प्लान करता है, वो फोकस करता है, और वो जो आदमी है वो इज़ मच्योर इनफ कि वो ये समझता है कि ये डूएबल है, ये किया जा सकता है, उसके अंदर इतनी सेंस है, मैच्योरिटी है,
अब वो सेंस का मतलब विजन है, जो जिस पे बहुत लंबी बहुत देर से बात हो सकती है। लीडर का मतलब ही यही है कि उसके पास कुछ विजन है, उसके पास कुछ पैशन है, वो कुछ चेंज करना चाहता है। मैंने आप बात कहा कि उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट घर का हो सकता है, वो दोस्ती का हो सकता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, वो आपके बिजनेस का हो सकता है। अगर वो उसमें कुछ चेंज लाने चाहता है, ला सकता है, उसके अंदर ये पैशन है, तो वो लीडर है। और अगर नहीं ला सकता तो वो फॉलोअर है, वो नॉर्मल है। लीडर अब नॉर्मल होता है, अगर वो अब नॉर्मल ना हो तो वो कुछ करने की हिम्मत, कुछ करने की जरूरत, कुछ करने का रिस्क ना ले, और रिस्क उसने लेना होता है। अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है तो दैट मीन्स ही इज ए मैच्योर्ड लीडर, मैच्योर विजनरी। और उसने फिर उसके डिपेंडेंट जो रिसोर्सेज होते हैं, अब वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, उसको अगर बेहतर तरीके पे ऑर्गेनाइज करे, मैनेज करे, तो वो लीडर है। यही लीडरशिप घर में चलती है, यही लीडरशिप जो है वो इंडस्ट्री में चलती है, दोस्तों के सोशल जो है पॉलिटिक्स में, तो ये सब जगह पे चलती है। अब एक अलग, कितना वो ऑनेस्ट है, कितना वो ट्रस्टवर्दी है, कितना वो विजनरी है, कितना वो प्रैक्टिकल है, और कितना वो उसका बिहेवियर, कितना वो सॉफ्ट और लोगों को साथ लेकर चलने का है, कितना वो गुड लिसनर है, ये वो सारी क्वालिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक एक आदमी के अंदर ना हो तो वो लीडिंग पोजीशन में नहीं आ सकता। अब ये लीडिंग पोजीशन, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आपके घर के अंदर 15, 20, 10, 4, 5 अफराद हैं, उनमें से एक में ये क्वालिटीज़ होती हैं जो घर को लेकर चल रहा होता है, या रिश्तेदारों में होती है, जो जिसको आप खानदान का बड़ा भी बनाते हैं, दोस्तों में भी होती है। आप देख रहे हैं 4 दोस्त हैं, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, बाकी 3 उसको फॉलो कर रहे होते, डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड, आप उससे इम्प्रेस ज़रूर होते, आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे होते हैं। एक कॉन्शियसली आपने फॉलो करना है, अनकॉन्शियसली बाज़ का फॉलो कर रहे होते हैं। आपने डिक्लेयर नहीं किया होता कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा अमीर है, लेकिन आप कर रहे होते हैं उसको, क्योंकि आप इम्प्रेस होते हैं, आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उसे। इसी तरह कारोबार में भी है, कारोबार में एक मैनेजर है, एक लीडर है। मैनेजर और लीडर में भी बहुत फ़र्क है। अच्छा मैनेजर वही है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी। मैंने देखा है बहुत सारे मैनेजर्स, बड़े अच्छे मैनेजर्स होते हैं। मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, टेक्निकली दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी साउंड, वे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं कभी कभी स्टक हो जाता हूँ उनमें कि यार वो बहुत अच्छा टेक्निकल पर्सन है, सीनियर भी है, अब मेरे लिए ये मैनेजमेंट चैलेंज आ गया, लेकिन क्या नहीं है, अच्छा लीडर नहीं है, वो टीम को साथ लेकर नहीं चल सकता, वो बेहतर कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लोग आर नॉट कम्फर्टेबल, ही इज़ नॉट गुड लिसनर। मैं आपको एक बात बताऊं, लीडरशिप के लिए एक बहुत खूबसूरत बहुत बड़ी बात है, वन शुड बी वेरी गुड लिसनर, पूरी तरह उसकी बात सुने, और उसकी बात अच्छी है, बुरी है, मजाज के ख़िलाफ़ है, उसको ये तासर नहीं आना चाहिए कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, अच्छा ठीक है, आई लिसन यू। बात वही करें जो वो समझता है कि मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। ये नहीं है कि ये आया अच्छा तू भी ठीक है, तू आया तू भी ठीक है, तू आया तू भी ठीक है, और वो चौराहे में खड़ा है, उसको पता नहीं मैंने किधर जाना है। लीडर्स जो होते हैं वो तो बड़े फोकस्ड होते हैं, विजनरी होते हैं, क्लियर होते हैं, दे आर क्लियर इन देयर माइंड, और फिर उनको साथ लेकर चलना, जो ये टीम बिल्डिंग है, इसके अंदर लीडरशिप भी है और टीम बिल्डिंग भी है। टीम बिल्ड करना भी आसान काम नहीं है, और जब तक टीम बिल्ड ना हो आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। और आपके अंदर अगर लीडरशिप है तो आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आपने मल्टीटास्किंग करनी है, आपने टीम को डेवलप करना है अपने साथ। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि अच्छा फिर आपने बाज़ लोगों के प्लस पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव
पॉइंट्स होते हैं, एबिलिटीज होती है, और बाज लोगों के अंदर वीकनेसेस होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी गुड ऑन अदर एस्पेक्ट। ये आपकी मैनेजमेंट है, ये आपका विजन है, ये आपकी ट्रेनिंग है कि आपने उसको भी साथ कैसे लेके चलना है। यहाँ पे वो चैलेंजेस हैं जो लीडर जो है वो करता है, वो आपका लीडर है जो टीम जो है अपने साथ लेकर साथ चलता है, तो उसको पता है कि मैं इसको अलग नहीं कर सकता, इसको मैंने साथ लेकर चलना है। पहली बात तो ये है कि एफर्ट करनी, पूरी एफर्ट करनी, जो जिसकी वीकनेसेस है मैं उसको दूर करूँ, उसको साथ लेकर चलूँ। देखिए लोगों को अलग करना बहुत आसान है, वेरी सिंपल। ये आपको मैं ज़िंदगी की बताऊँ, अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताने लगा, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है कल। लोगों को अलग करना बहुत आसान है, लोगों को वैल्यू एडिट करना, अपने मिजाज के मुताबिक लेके आना, उनकी लाइफ को अपग्रेड करना, ये एक एफर्ट है, उसको साथ लेकर चलना, ये इंसानियत भी है, लीडरशिप भी है। और जिसको आप वैल्यू एडिट करते हैं, जिसको आप साथ लेकर चलते हैं, आपको पता है कि हम तो ज़िंदगी में देखते हैं ना पीर और मरीद, आप उसको पीर की तरह मानने लगते हैं। जिस शख्स ने आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए एक लफ्ज़ भी अगर उसने आपको दे दिया जिससे आप यू फील वैल्यूएटेड, यू फील हाईलाइटेड, तो वो आपके जो है ना, आप उसको उसकी उसको उसकी रिस्पेक्ट अलग से हो जाती है। जैसे हम अपने टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, असाज़ा की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे हमारी वैल्यू एडिशन होती है हमारी लाइफ में, हमारे नॉलेज में। लाइकवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है कि जो टीम लीडर है जो आपको साथ लेकर चले, आपकी लाइफ को वैल्यू एडिट करे, आपकी वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश करे, तो लाइफ टाइम आप उसके ओब्लाइज्ड हो जाते हैं, लाइफ टाइम आप ओब्लाइज्ड हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें हैं। टीम बिल्डिंग तभी होती है जब आप वो आदमी ऑनेस्ट है और आपका 100% ट्रस्ट है उसमें, वो ट्रस्ट वर्दी है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, तब आप उसको फॉलो करते हैं। इस हद तक फॉलो करते हैं आप कि आप बिल्कुल, जिसे लिटरली कहते हैं ना ब्लाइंडली फॉलो करना, आप इस हद तक चले जाते हैं। कम से कम मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है, वो फिर ये नहीं देखता, ये प्रैक्टिकल मिसालें आपके सामने भी हैं, फिर वो ये नहीं देखता कि क्या क्या नहीं है, वो देखता कि मैंने फॉलो करना है, और वो फॉलो करता है। लेकिन उसके लिए आपको ऑनेस्ट ट्रस्ट, आपको पता हो फोकस्ड है, विजनरी है, आपको धोखा नहीं देगा, आपको किसी गड़े में नहीं फेंक देगा, वो क्लियर हेडेड है, और सबसे बड़ी बात सिंसियर, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्टी भी किसके साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, ऑनेस्टी अपने उस ऑब्जेक्टिव के साथ जो उसने अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव भी तो है ना सामने, ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हो, असाइनमेंट की शक्ल में हो, और इंडिविजुअल्स के साथ भी, हर तरह से ऑनेस्ट, फिर आप अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। और ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है जब ऐसे लोग आपको मिले, तो फिर वो आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें कर देते हैं, हो जाती हैं, वो लोग फिर वो कहते हैं ना अनहोनी ड्रीम फोर्सी करते हैं, वो अपने प्लान्स करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो फिर फोर्सी करते हैं, वो एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें हैं। टीम बिल्डिंग में अपने उसने आप पे ट्रस्ट करना होता है, आपको एम्पावरमेंट करना होता है, आपको रिस्पेक्ट देनी होती है। रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक रिस्पेक्ट जो है वो आप एक दूसरे के इस तरह से लेकर ना चलें, तो आपकी जो बाइंडिंग है वो नहीं होती, आपका बॉन्ड नहीं बनता जब तक आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल ना हो। अच्छा, इन सब चीज़ों को करने के लिए टेक्निक्स हैं, तो एक वो एक अलग बहस है कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। एक एक चीज़ को आप लेंगे तो एक उसकी एक अलग से एक मेरा ख्याल है एक सब्जेक्ट है, एक सेशन है इन टेक्निक्स का। और ये टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं और उनको टीम को साथ लेकर चल सकते हैं।
सितारा केमिकल्स और सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरा बीइंग अ लर्नर ऑफ मीडिया स्टडीज़ एक सवाल है छोटा सा कि गुज़श्ता चंद बरसों से जो हालात हैं मीडिया पे, मीडिया सेंसरशिप है और जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसे हालात में आपने चूंकि लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ बताई, वो क्या विजन था कि आपने इस सेक्टर को भी जो है वो टच करना ज़रूरी समझा, और इस हवाले से थोड़ा सा अपना ज़रा अलिफ टीवी के हवाले से अपना विजन जो है वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अलिफ जो है वो एक सैटेलाइट टीवी है। मैं महसूस कर रहा था दो चार चीज़ें। एक तो हमारे मीडिया में इकॉनमी पे बात इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। हम पॉलिटिक्स पे बहुत बात करते हैं, आवर्स एंड आवर्स बात करते हैं। बाय द वे मुझे ये रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैंने देखा कि इंडिया का बैरून ममालिक का जो मीडिया है, जितना वो पॉलिटिक्स पे बात करता है उतना अपनी इकॉनमी पे भी बात करता है, अपने रिसोर्सेज पे भी बात करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट पे बहुत बात करता है, अपनी एजुकेशन सेक्टर पे बहुत बात करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बात करता है, अपनी ट्रेड एंड फिनांस, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर बहुत बात करता है। मुझे वो चीज़, मैं एज ए बिजनेस मैन मुझे देखा कि मुझे वो इतना बात करते हुए नज़र नहीं आया। दूसरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं देखता हूँ कि एकेडमिक और इंडस्ट्री का गैप है, वो गैप भी ब्रिज होना चाहिए, और उसको दूर करने के लिए मेरी अपने तौर पर इंडिविजुअल एफर्ट रही है। लेटर ऑन देखा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इसी को क्यों ना एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी जाए और ये पूरी सैटेलाइट के ज़रिए सब तक पहुंचाया जाए, और तमाम जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो जो कर रहे हैं, जो जो उनके मीडिया हाउस कर रहे हैं, जो जो वो अपनी एजुकेशन के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो लड़के सीख रहे हैं, उन लड़कों को, उन स्टार्स को यहाँ पर लाया जाए और एक मिसाल दी जाए बाकी कॉलेजेस को, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को, जो अच्छा काम आप कर रहे हैं उस अच्छे काम को दिखाया जाए। क्योंकि लोग जो है ना, मैं अब आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को मिलते हैं, मैं देख रहा हूँ कि लोग आर गेटिंग फेड अप फ्रॉम अवर रूटीन, जो बातें हो रही हैं फेड अप हो, सिक हो जाते हैं। अब कई लोग तो देख ही नहीं रहे कि सर दर्द हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अब ये चीज़ें, बीमारियाँ वाकई शुरू होगी क्या, हर वक्त ये सुनते 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 कि ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये होने लगा, हम कहाँ चले गए। कुछ पॉजिटिविटी, कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ लोगों को उम्मीद बताई जाए। और ये पाकिस्तान का पहला, फर्स्ट एवर अबद साहब, ये एजुटेनमेंट चैनल है, सेटेलाइट चैनल, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये अलफ टी वी का इख्तरा जो है वो भी एक पैशन है, और पैशन इस SCSR के तहत है कि जो मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूँ, मैं शायद आपको ऊपर टी रूम लाउंज में बैठ के बता रहा था कि मेरे पास अगर चिड़ी के चोंच में पानी के बराबर अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस पूरी ज़माने की आग को बुझाने में, तो कम से कम मैं उस चिड़िया की तरह क़यामत के दिन ये कहूँ कि मैं आग बुझाने वालों में नहीं था, मैं स्टेटस को में खड़े लोगों को देखने में नहीं था। Anwar from Department of School of Design and Textiles. I am working as a assistant professor. Basically, जो मेरा area है, that is totally related to the textiles. I am a textile engineer, again from Faisalabad. तो मेरा जो question है, that is related to the sustainability of the products. Like जो हम bleaching ranges use कर रहे हैं या different products जो है वो market में available हैं इस time, वो sustainable नहीं हैं. Because you have that influence and you can work on the sustainability of the products or we make a Pakistan, a go green Pakistan. So mera aap log se yahi question hai ke as a CEO
ऑफ सितारा टेक्सटाइल केमिकल्स, क्या हम या आप इस पर कोई काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे? क्योंकि लोग जो है वो ब्लीचिंग रेंजेस को छोड़ के, लाइक मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे चले गए हैं, इंजाइम्स पे चले गए हैं या इससे रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट्स? क्योंकि अगर हम ब्लीचेस की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि मैं जो है वो एक PhD स्कॉलर भी हूँ और मैं ज़्यादातर सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही हूँ, तो अगर हम ब्लीचेस रेंजेस की बात करें तो वो दे आर नॉट ग्रीन, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनके क्रेयंस इश्यूज़ हैं, उनके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, एक्वाटिक लाइफ इश्यूज़ हैं, इवन ह्यूमन लाइफ पे इश्यूज़ हैं। जो फैसलाबाद में मैं 7 साल रही हूँ, वहाँ पे जो है जो हमारा जो केमिकल है वो ऐसे ही ड्रेन किया जा रहा है, वो आगे हम जो है वो फील्ड्स में जा रहा है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो ह्यूमन खा रहे हैं, लाइक किसी भी वे में। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हम एज अ पाकिस्तानी कितना को सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं, क्या इसकी कोई कैपेबिलिटीज हैं? बात ये है, आपकी बात सही है, अगर मैं इसको दो लफ्ज़ों में बात करूं तो नहीं, पाकिस्तान में सस्टेनेबिलिटी पे वो R&D नहीं काम हो रही जो होनी चाहिए, उसकी सो मैनी रीजंस। बाहर की दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है इस मामले में, कॉन्शियस भी है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है केमिकल रिएक्शंस की, जो चीज़ें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनके रिएक्शंस की, लिहाजा लोग जो है जब वो उनको अवेयर ही नहीं है, उनको जो मिल रहा है जो सस्ता मिल रहा है वो पहन रहे हैं। एक तो अवेयरनेस बाहर की दुनिया में बहुत अवेयरनेस है, दूसरी बात जो मैं कहने लगा हूँ रेगुलेटरी बॉडीज, कंज्यूमर, आपको पता है ना कि बाहर की दुनिया में कंज्यूमर एसोसिएशंस जो है वो कितनी स्ट्रांग होती हैं, NGOs कितनी स्ट्रांग होती हैं, वो हर चीज़ को जब माइन्यूटली देखती हैं तो वो उसको बहुत शोर मचा देती हैं। और तीसरी बात है फंड्स की अवेलेबिलिटी फॉर दी रिसर्च, आप वहाँ पे 7 साल वहाँ पे रहे हैं, आपको पता है कि हमारी जो फंड्स है उस R&D के लिए उतने अवेलेबल नहीं होते। अगली बात, हमारे फंड्स मिस अप्रोप्रिएट हो जाते। अगली बात, हमारे लोग जो हैं राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं बैठे होते, उनके पास विजन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती, सॉरी टू से बाय द वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी वो बैठे होते हैं, नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ लीडरशिप, बाय द वर्च्यू ऑफ मेरिट वो नहीं बैठे होते, वो बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी बैठे होते हैं। और मैंने कहा मिस अप्रोप्रिएशन, उनका ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन ही और होती है। मेरा बड़ा क्लोज वास्ता रहा है इन सारी इंस्टीट्यूशन के साथ, बहुत गैप है। मैंने एक लफ्ज़ आपके कहने से पहले कहा एकेडेमिया और इंडस्ट्री का बहुत गैप है, और उसकी वजह यही है। जितने हमारे R&D के PCSIR, आपको पता है कितना बजट उनको हर साल जाता है? आप ज़रा चेक करेंगे उनको PCSIR को कितना बजट मिलता है और कितना खर्च करते हैं और क्या करते हैं, क्या आज तक उन्होंने डिलीवर किया, कितने PhD डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उसका बोर्ड में रहा हूँ, आई नो इनसाइड, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ मनी and resources and doing nothing honestly, sorry to say, और मेरे chemical related है वो सारे। टर्न अराउंड हो सकती थी ये सारी टेक्नोलॉजी, वो किस ज़माने में बैठे हैं, और टेक्सटाइल जो है आपकी वो किस ज़माने में चली गई, आप बताएं ना कितना गैप है। हमारी सोच, हमारी ट्रेनिंग, हमारे इक्विपमेंट जिस पर आप टेस्टिंग करते हैं उसमें कितना गैप है ना गैप के नहीं, तो यही देखें, यही जवाब है आपके सवाल का। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दुल मतीन अली है, मैं स्कूल ऑफ गवर्नेंस एंड सोसाइटी से हूँ। सर यूनिवर्सिटी में मैं लीडर्स फोरम के अंदर भी काम कर रहा हूँ, और इसके अलॉन्ग विद एक प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जिस तरह स्टाफ की ग्रुपिंग होती है या बैकलैश आता है जब आप हार्ड डिसीजंस लेते हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, और दूसरा जिस तरह अभी आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की, उसके अंदर हम क्या ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जिसके थ्रू हम मोर लीडर्स क्रिएट करें जो कि आगे इंडस्ट्री में आके और ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें। पहले तो आपके साथ जितने भी टीचर्स हैं ना, उन सब टीचर्स को जो है ना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करें। दैट इज़ ए टोटल
आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. आपका उनका सॉफ्टवेयर डिप कर दे, उनको आज जो पुराने ज़माने में बैठे हुए हैं ना, उनको आज के ज़माने में ले आए और उनको बताएं दुनिया कहाँ चली गई है, हम कहाँ पे हैं, और आज जो प्रोडक्ट तैयार करनी है वो क्या करनी है, वो आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा. सर आपने लीडरशिप के ऊपर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से बात की, आपने बताया कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो आपने फेस किया एज अ लीडर. तो सर थ्रू आउट योर जर्नी, पूरी जर्नी जहाँ आप सितारा केमिकल्स एंड सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आई हुई है, थ्रू आउट योर जर्नी व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड एज अ लीडर एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट. थ्रू आउट लाइफ जो है जी फुल ऑफ चैलेंजेस, मैंने पहले भी एक जगह कहा एवरी डे एक चैलेंज होता है, और आप इंडस्ट्री में हो पर्टिकुलरली या किसी एसोसिएशन में हो, जो एवरीडे जो चैलेंज होता है वो चैलेंज ही लीडर को चैलेंज ही जो है उसने उसको सॉल्व करना होता है, उसको रिजॉल्व करना होता है. अब आगे बात के चैलेंजेस जो हैं, मैं समझता हूँ जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है इंडस्ट्री को. जब कंप्यूटराइजेशन हुई, मुझे याद है 87 में IBM PS2 मुझे याद है अब तक शायद, जब इंट्रोड्यूस हुआ और मैंने अपनी फैक्ट्री में पहला लेके आया तो मुझे उसकी इंट्रोडक्शन दी गई कि ये आपकी पूरी फैक्ट्री की इन्वेंट्री जो है वो इसके अंदर आ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. जब उसको लोगों तक अपने बताया तो मेरी मैनेजमेंट के जितने लोग थे फ्लोर पे काम करने वाले वो सारे डर गए, खौफजदा हो गए कि पता नहीं ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गया तो हमें जो है हमारी जॉब्स जो है वो अनसिक्योर हो जाएंगी. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कंपनी के लिए. तो उनको कॉन्फिडेंस देना, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको अलॉन्ग विद वो जो मैंने बात कही कि अलग करना बड़ा आसान है. मैंने मुझे नहीं याद कि मैंने इस मामले में किसी को आसानी से अलग किया हो. मैं पहले उसको एफर्ट करता हूँ पूरी, और ये मेरी ऑनेस्टी भी है, ये मैं जवाबदेह भी हूँ कि मैंने एफर्ट की तो मैं पूरी एफर्ट करता हूँ कि मैं उसको साथ ले किया. मैं एक चैलेंज की बात कर रहा हूँ जब टेक्नोलॉजी चेंज आती है. मैंने अपनी कंपनी को तय किया कि मुझे आई लाइक टू गेट रिड ऑफ रिबा सूद, जो कन्वेंशनल फिनांसिंग है. उस वक्त एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज था. चैलेंज ये था कि मुझे बैंकों को कन्वेंशनल सूद बेस इंटरेस्ट बेस सारे पैसे वापस करने, उसके लिए मुझे अपनी पूरी टीम को एक जगह खड़ा करना था कि वो कोई और चीज़ नहीं हम बाय करेंगे. लिटरली मैं अगर आपको ये बताऊं कि पिछले उस दौरान 3-4 साल मैंने एक ईंट भी नहीं खरीदी. इसका मतलब ये है कि मैंने कोई और काम नहीं किया सिवाय इसके कि मैं बैंकों को पे ऑफ करूं. इवन सो मच सो कि मैंने मेरी गाड़ी जो है वो चेंज होने वाली थी तो मैंने नहीं चेंज की. लाइकवाइज मेरे मैनेजर्स ने खुद फैसला किया, मैंने नहीं कहा उनको, उन्होंने खुद फैसला किया जी हम नहीं चेंज करेंगे, हम नहीं नई गाड़ी डिमांड करेंगे, लेट फर्स्ट गेट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी. बहुत सारी चीज़ें हमने फिर मिलकर ऑन बोर्ड 3-4 साल लगे मुझे, और ये बड़ा एक कंपनी के अंदर टर्न अराउंड चेंज था. वो हमने इसको इस तरह से फेस किया और कंपनी के लोगों को साथ मिलाया. अच्छा मेरे मुझे याद है मेरे फाइनेंस मैनेजर थे उस वक्त या और 2-4 लोग थे, वो मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, दे वर नॉट इन लाइन विद मी, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी. वो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे, ये चैलेंज मेरी कंपनी में नहीं था, मेरे पूरे ग्रुप में था. आपने ये क्वेश्चन किया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मुझे अपने वालिद साहब को कन्विंस करना पड़ा, वो समझते थे कि ये मुमकिन नहीं है, यू विल बी आउट ऑफ दिस बिजनेस. नीचे दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इसके लिए क्या, फिर मैं चुप करके बैठ जाता. मैंने उसको आई कीप स्ट्राइकिंग, उनको मैंने ऑन बोर्ड किया, जो रिसोर्सेज जो नॉलेज गेन हो सकता था वो मैंने. ये वो ज़माना है जब पाकिस्तान के अंदर अभी शरीयत की बात या इस्लामिक बैंक एक भी नहीं था. जब मैं कहता था कि मैंने इंटरेस्ट फ्री बात करनी तो लोग बैंक वाले हंसते थे. SECP में कोई पता नहीं था कि क्या चीज़ हो, स्टेट बैंक को कोई कानून नहीं था. ये वो टफ टाइम था. अब आप देखें
इसमें आपको बहुत सारे मैसेज मिल जाएंगे. डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट 7 times. एक दफ़ा मैंने गुस्से में वो एक फोल्डर जो था मेरे पास, इसका प्रोग्राम रोड मैप, मैंने अपने दराज में, ऑफिस के दराज में बंद किया और मैंने कहा यार ये वाकई डूएबल नहीं है, मैं ऐसे ही एफर्ट कर रहा हूँ. रात को सोया, अगले दिन मैंने कहा नहीं, ये 3-4 साल मैं इसके, क्या था जैसे आप बनाते हैं ना रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर बनता रहा, बनता गया. सुनते होंगे मुफ्ती तकीशमानी साहब, उनसे गाइडेंस मैं ले रहा था और वो इसमें इन्वॉल्व थे मेरे इस मॉडल बनाने में. बड़ी दफ़ा कराची में गया उनके पास. ये चैलेंज था मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए भी, मेरे रिलीजन के लिए भी, मेरी कंपनी के लिए भी. लेकिन मुझे ये था कि मुझे ये करना है. और देखें मैंने कब करना है, जब तक पाकिस्तान के अंदर दिस इंटरेस्ट फ्रे पे कोई बात नहीं हुई थी. और जब ये मॉडल मेरा सक्सेसफुल हो गया, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इंटरनेशनली मेरा आज भी मॉडल जो है कोट किया जाता है, मुशरका टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, जो कि इन रियल टर्म्स में, रियल टर्म्स में लॉस एंड प्रॉफिट बेस्ड थे मेरी कंपनी के अंदर. ये वो ज़माना है जब बैंकों का, अगर आपको याद हो या हमारी फैकल्टी के दोस्तों को पता होगा कि बैंकों के अंदर 3% बैंक रेट हो गया था. आज तो 25% है ना, आपको पता है 25% है बैंक रेट. उस ज़माने में 3% हो गया था, 2.5%. और मैं अपनी कंपनी का उस वक्त जो प्रॉफिट दे रहा था लोगों को वो 32% था. और ये एस्टैब्लिश्ड है, ये एस्टैब्लिश्ड है. मैंने चैम्बर्स में, एसोसिएशंस में, इंटरनेशनली इसकी मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन है, वो मैंने दी. तो ये वो चैलेंज है जब आपको आता है ना लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंज. इसके बाद लाइफ के अंदर मैं एक और आपको बात बताऊं, पर्सनल लाइफ के अंदर भी चैलेंजेस आते हैं, आपकी जाती पर्सनल फैमिली लाइफ के अंदर भी. वो भी आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बुर्दबारी के साथ, विजन के साथ, अल्लाह से राबता रख के वो चैलेंजेस जो है वो कबूल और हैंडल करने पड़ते हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. सर बेहद ममनून, बेहद शुक्रगुजार कि आपने टाइम निकाला, आप आए. जहाँ पे आप करदार के भी गाजी हैं तो आज आपने साबित किया आप गुफ्तार के भी गाजी हैं माशाल्लाह. बहुत से रहनुमा असूल जो हैं आज मुरतब हुए आपकी गुफ्तगू से. सर एक तो आपने रोल अभी बताया कि बहरान में क़यादत जो है वो क्या करती है, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम जो है मौजूदा वक्त में हमें क़यादत का बहरान जो है वो हम देखते हैं. और पाकिस्तान के अंदर हालात वाक़यात मद्दो जज़र जैसे हैं, उतराव चढ़ाव बहुत ज़्यादा है. आज सुबह ही अली टीवी पे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यूके में बहुत ज़्यादा हैं. ब्रेन ड्रेन जो है, पता चला है कि वो 8 लाख जो हमारे तालिबे इल्म हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, क्वालिफाइड पाकिस्तान से हुए हैं. लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम टैलेंट बैंक हैं दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं. तो वो कौन सी चीज़ है जिसे आपने, आपको जिसने मायूस नहीं किया, आप पाकिस्तान में रहे, और वो कौन सी बातें आप हमें बताएंगे स्टूडेंट्स को, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, क़यादत का जो बहरान है ये कैसे हम लोग इसे अबूर कर सकते हैं, इसमें आपकी जो है रहनुमाई वो दरकार है. शजर से पवस्ता रहे, उम्मीदें बहार रख. एक तो जो कहा गया सिंपली रिलीजियसली मैं ये बात कहूँगा, आपकी बात सही है, ये अनफॉर्चुनेट है. इसमें पाकिस्तान के अंदर 8 लाख लोग जो भी आपने बताया वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, टैलेंट जो है. मैं पूरी दुनिया घुमाऊँ ऑलमोस्ट काफ़ी, और मैंने टैलेंट देखा है वहाँ पे. लोग एक ज़माने में था, मैं बात आपको करने लगा हूँ 78 की. 78 में मैं टैलेंट की बात करने लगा हूँ स्टूडेंट्स के लिए. और मैं 23 स्टेट्स में घूमा था 78 में. मैं वहाँ जिस जगह भी गया, जिन फैमिलीज़ को भी मिला, वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे वो पाकिस्तान के छाए हुए थे और लोग प्रेफर करते थे कि पाकिस्तानी डॉक्टर को दिखाना. हमारा मेडिकल एजुकेशन का लेवल स्टैंडर्ड ये था. ये मैं आपको अपनी विटनेस, अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ. पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत टैलेंट है, क्योंकि इस जैसा मेहनती डिटर्मिंड आदमी बहुत कम मिलता है.
जो 12 घंटे भी 16 घंटे भी काम करके थकता नहीं है, उसकी वजह उसके अंदर पैशन होता है, एनर्जी है, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करते हैं ना, गोरा 8 घंटे के बाद 1 मिनट ऊपर हो जाए ना, तो वो उसका दिल नहीं करता काम करने का, उसका माइंड सेट ऐसा है। मैंने देखा है कि अंदर कस्टमर होगा, बहुत सारा फ़ायदेमंद होगा, वो बंद कर देगा। ये उसका असूल है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है हिम्मत करने काम करने का। और दूसरी बात, पोटेंशियल बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। और एक बड़ी पॉजिटिव बात बताऊं, जहां पे ख़राबी होती है वहां पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी होती है। और अपॉर्चुनिटी किन के लिए होती है? अच्छे लोगों के लिए। मैं एक आपको देसी सी मिसाल देने लगा अपने वालिद की, जो मुझे याद आ गई। मेरे वालिद कहा करते थे, उस चीज़ की कदर होती है जो जिसकी कमी हो जाए, ठीक है ना। सप्लाई एंड डिमांड, आजकल ईमानदारी की कमी है, जो ईमानदार होगा वो उसकी दुकान चलेगी। ये मेरे वालिद साहब कहा करते थे, हमेशा उन्होंने मुझे सिखाया कि जिस चीज़ की कमी होगी ना वो चलेगी। आप इसके लिए आप देख लें, कोई खाने वाला है, होटल वाला, ढाबे वाला जो है, उसका ढाबा बहुत चलता है क्योंकि वो कोई ईमानदारी से या अच्छे तरीके से वो चीज़ बनाकर बेच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर टेक्निकली जितने वसाइल मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, इवन पंजाब, अगर हमारी पूरी जो डिसीजन मेकिंग जो मशीनरी है सारी फोकस कर देना उसके ऊपर, तो चंद महीनों में, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं प्रोफेशनल मोटिवेटर हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरता हूँ। मैं जब बातें कर रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, इसलिए चंद महीनों के अंदर इस मुल्क की इकोनॉमी टर्न अराउंड हो सकती है। मैं बिज़नेस, इस पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी का प्रेजिडेंट रह चुका हूँ, पूरे पाकिस्तान की अपेक्स बॉडी। मैं इस बुनियाद पर ये बात कह सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत है हमारे पास, अल्लाह ताला ने बेशुमार कुदरती वसाइल बहुत दिए हुए, मौसमों के साथ बहुत कुछ टर्न अराउंड हो सकता है। अब जो इस चीज़ की कमी है वो एक बहुत ही लॉयल, सिंसियर, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड लीडरशिप की है। दैट्स इट। कौन सी क्वालिटीज हैं एक लीडर में जो कि उसमें अगर ना हो तो एक अच्छा लीडर नहीं बन पा, होने वाली तो होगी, मगर कौन सी ऐसी नेगेटिव हैं जो उसकी पॉजिटिव भी ख़त्म कर देती हैं? सबसे बड़ी बात जो है ना लीडर का, सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में वो लीडर का अपना टेम्परामेंट है। अगर उसका टेम्परामेंट जो है वो किसी को साथ लेके चलने वाला नहीं है तो वो अच्छा लीडर नहीं होगा। टेम्परामेंट पहली बात, टेम्परामेंट के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं टेम्परामेंट के, अच्छा सुनना, तोजो देना, उसको मोटिवेट करना, उसको गाइड करना, उसके अंदर क्लैरिटी होना, उसको एम्पावर करना, ये उसके जो टेम्परामेंट के अंदर एक टेम्परामेंट होता है साथ लेकर चलने का, उसी एक अपनी साइंस है। और एक टेम्परामेंट होता है वो बर्दाश्त नहीं करता किसी को, वो जब बर्दाश्त नहीं करता तो कोई भी उसके साथ नहीं चलेगा। इस टेम्परामेंट के अंदर मैंने एक बात कही है, रिस्पेक्टफुल होना। मैं किसी के साथ चलना चाहता हूँ ना, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी NGO लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, मैं उसका इंटरनेशनल डायरेक्टर रहा हूँ 2018 से लेकर 21 तक, 3 साल। आई एम द थर्ड वन फ्रॉम पाकिस्तान जो उनके इंटरनेशनल बोर्ड पे था। मैं 54 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा था बोर्ड के ऊपर। अच्छा, अब मेरी जो ट्रेनिंग लर्निंग जो हुई है वो इस यहाँ से हुई है, लाइंस क्लब का मेंबर होना, क्लब का प्रेसिडेंट होना, फिर उसके मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो उसका टेम्परामेंट जो है ना वो ऐसा हो कि मैं अच्छा, ये NGO को मैंने जो कहा आपको, ये वॉलंटियर्स हैं, ये आपके एम्प्लॉई नहीं है। एम्प्लॉई के साथ आपका बिहेवियर और होता है, आपका एटीट्यूड और होता है,
वॉलंटियर से काम लेना और उनको साथ लेकर चलना, ये बहुत बड़ी टेक्निक, बहुत बड़ी साइंस है ये। और वो उसको साथ लेकर चलना, उसको साथ लेकर उसके साथ, अच्छा उस आदमी की, जब आप एक दूसरे पार्टनर को साथ लेकर चलते हैं ना, उसकी बहुत सारी प्लस पॉइंट्स होते हैं, उसकी बहुत वीकनेसेस होती हैं। अगर आप उसकी वीकनेस पे पैर रखते रहेंगे तो वो आपके साथ चलेगा, और आपने तो उसको कवर करना है, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है। आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी और दे दूँ, प्रैक्टिकली मैंने देखा है लाइफ में, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब कामयाबी मिले ना बांट दो, ताकि नाकामियों में वो भी आपके साथ हो। जब आप कामयाबी कहेंगे मैंने की, तो आपकी नाकामी में भी कहेगा तू नहीं की। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया मियाँ इदरीस साहब आपका। जस्ट टू कंक्लूड, के जिस तरह अभी इदरीस साहब ने कहा कि लीडर कौन होता है, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। लोग कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन होती है फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। बस एक शेर जहन में रखना है कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, जमीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, है अमल ज़रूरी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। नाउ जस्ट टू क्लोज दिस प्रोग्राम, दिल तो नहीं चाह रहा, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू माई रिस्पेक्टेड डीन स्कूल ऑफ साइंस, जस्ट टू गिव वोट ऑफ थैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑल कोलेबरेशंस फ्रॉम बिजनेस स्कूल, फ्रॉम टेक्सटाइल स्कूल्स, फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस एंड फ्रॉम माई मैनी अदर एरियाज द फैकल्टी एंड स्टूडेंट हेयर, सो उनका सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए। थैंक यू हामिद साहब, कंक्लूड तो हामिद साहब ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें थैंक यू करना है मुझे हमारे डीजे आबिद शेरवानी साहब का, कि उन्होंने हम सबको मौका दिया और इतना ज़्यादा एनलाइटनिंग सेशन, मतलब वो चीज़ थी जो आप देखें, जो बात आपके डायरेक्ट दिल पे असर कर रही थी, और डायरेक्ट दिल पे असर वही बात करती है जिसने जो वाकई ऑनेस्टी के साथ हो, जिन्होंने वो सारा काम किया हो, क्योंकि अगर हमारे अमल नहीं है और हम बात कर रहे हैं तो उसका असर नहीं होता, और ये असर हम सब ने मिल के फील किया है। तो हमारे ऑनरेबल गेस्ट मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। और बात यही है कि अभी अभी बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रह गए, ये जो बात हो रही है कि आपके इंडस्ट्री के विजिट्स के लिए, तो उसमें मैं उनमें से हूँ, जिस वक्त मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रही थी तो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से हमें उस वक्त, ये पिछली दिहाई की बात है अब, कि वो सितारा केमिकल्स में विज़िट के लिए हमें फैसलाबाद लेके गए, और मुझे आज भी याद है, और उस वक्त इतनी स्प्लेंडेड और इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी मैंने खुद उस अपने स्टूडेंट एज में भी विज़िट की हुई है। तो इंशाल्लाह अब हम अपने स्टूडेंट्स को भी आपके पास वहाँ लेके जाएंगे और आपके साथ ये मौका मिलेगा। ये जो सेशन था, ये सेशन, इसकी जो मेन एफर्ट थी आबिद शेरवानी साहब ने कंसीव किया, और इसको हमारी मीडिया टीम ने, यूएमटी मीडिया ने बेसिकली सारा अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, स्पेशली मिस वर्दा ने और इनकी पूरी टीम ने, और तो ये सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, और स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन का कि आप सब ने उसको इस मुमकिन बनाया। थैंक यू वेरी मच। जो इवेंट था, ये दो तरह के, दो मकसद के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था। एक तो इसमें था लीडरशिप मेजर, जिसके ऊपर बात की, और चूँकि इदरीस साहब जो हैं वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, और बहुत से उनके मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और कई बहुत सारे डायरेक्शंस में वो काम कर रहे हैं, तो लीडरशिप में उनसे बेहतर कोई बात नहीं कर सकता था, और उनके सारे जो एक्सपीरियंसिस थे वो सिर्फ किताबी नहीं थे, वो प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड थे, जो उनकी अपनी, उन्होंने अपनी लाइफ का निचोड़ थे। दूसरा उन्होंने जो बात की वो केमिस्ट्री में, चूँकि वो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, टेक्सटाइल
के स्टूडेंट्स हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल साइंसेज के हैं, तो उन सब के लिए भी वो उन्होंने बहुत सी डायरेक्शंस दी और उसके बारे में बात की, लो स्टूडेंट्स को आगाही दी कि वो किस तरह से अपना बिजनेस में काम कर सकते हैं, किस तरह से इंडस्ट्री के साथ और एकेडमिया के साथ लिंकेजेस को काम कर सकते हैं। तो ये एक सेशन था जो कि बहुत एनलाइटनिंग था स्टूडेंट्स के लिए भी और फैकल्टी के लिए। तो आज का सेशन जो है मियां इदरीस साहब के साथ बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन था, हमारे स्टूडेंट की लर्निंग के हवाले से, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से, और जो इदरीस साहब ने अपना प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया, जो उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, जो उन्होंने स्टूडेंट को गाइड किया कि लीडरशिप क्या होती है, टीम बिल्डिंग क्या होती है और किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो हमारे स्टूडेंट के लिए जो है बहुत हेल्पफुल है और सपोर्टिव है उनकी लर्निंग के हवाले से, क्योंकि जो कुछ बुक्स में वो पढ़ते हैं उसमें इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल और सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो नहीं होती। आज का सेशन जैसे कि आपको पता है कि बिज़नेस के ऊपर था, और उसमें बिज़नेस में सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जब तक एक लीडर खुद एक स्टांस नहीं लेता, उसकी टीम उसको फॉलो नहीं कर सकती, तो मुझे उनकी बात पहले लीडरशिप की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने लीडरशिप पे बात की, लीडरशिप के बारे में समझाया बच्चों को आगे कि पहले एक लीडर खुद कंट्रोल करेगा उसके ऊपर, तो फिर उसके टेम्परमेंट से फिर वो बाकी टीम भी उसी के मुताबिक चलेगी। उसके बाद के काफ़ी बिज़नेस के बारे में पाकिस्तान में जो नहीं होते टॉक शोज़ वगैरह और इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों को, बाकी पॉलिटिक्स पर हर बंदा बहस कर लेता है लेकिन बिज़नेस पर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि बिज़नेस से इकॉनमी से ही मुल्क चलता है, सिर्फ पॉलिटिक्स से मुल्क नहीं चलता। जी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मस्ट से दैट इट वाज अ वेरी गुड सेशन, और लीडरशिप एक्चुअली ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि हम लीड करते हैं, ठीक है, लाइक हाउ टू लीड, हाउ टू सक्सीड, बेसिकली इट्स कॉल्ड अ लीडरशिप। सो इट जस्ट नीड योर कॉन्फिडेंट, योर स्किल्स टू इम्प्रूव योर बिजनेस एंड योर सेल्फ। देखें, इसमें आए हुए थे सितारा केमिकल के CEO इदरीस साहब, एंड ही वॉज वेरी जेंटल एंड ही वॉज़ वेरी गुड, और उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी टिप्स दी हैं अबाउट द बिजनेस एंड टीम वर्क एंड लीडरशिप, और उससे हमें काफ़ी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसिस भी उन्होंने शेयर किए हैं, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को अच्छे से आगे चलाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें फॉलो अप कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा उनसे सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये सेशन। आज का सेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था, इसलिए क्योंकि मैं भी एक लीडरशिप पोजीशन पे हूँ, और सर ने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए उसमें से वो बातें दिल पे जाकर असर कर रही थी। इदरीस साहब की ख़ास तौर पे जो बात उन्होंने बताई कि एक अच्छे लीडर के लिए ये है कि उसको सबको साथ लेके चलना है, अगर तो उसने सबको इज़्ज़त भी देनी है और उसने सबको ये बावर कराना है कि वो उसके लिए बहुत अहम है। हमारे जो शहीद डॉक्टर हसन सोहेब मुराद साहब थे, उनके साथ भी हमारा एक्सपीरियंस यही था, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े लीडर थे, और UMT का विजन भी है कि वी आर प्रोवाइडिंग लीडर्स टू द सोसाइटी। तो ये सेमिनार उस लिहाज से एक बहुत अच्छा कदम था, प्लस मुझे लगता है कि वो लोग जो दुनिया में सक्सेसफुल हैं और अपनी मेहनत से हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, वो लोग जब हमें अपने एक्सपीरियंस बताते हैं तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, वो कोई स्टोरीज नहीं होती, वो कोई मिथ्स नहीं होती, वो कोई फैंटेसीज नहीं होती। इट वॉज़ वेरी फ्रूटफुल, और आई होप कि इन फ्यूचर जो है वो हम कनेक्टेड रहेंगे सितारा केमिकल्स के साथ और इदरीस साहब के साथ। CEO सितारा केमिकल्स हैं, उन्होंने ट्रूली अपने जो एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए हैं वो रियलिटी बेस्ड हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो जो इश्यूज मुझे फेस करने पड़ रहे हैं एज ए टीम मेंबर एंड टीम लीडर, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो इदरीस साहब ने वहाँ हाईलाइट किए हैं, और उनको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह लेके चलना है, वो जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं वो सारा उनका निचोड़ जो है उन्होंने बता दिया, उनके जितने भी मतलब लाइफ के अचीवमेंट्स हैं उसका सारे का उन्होंने एक पॉइंट के अंदर रख के हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, और बिलीव मी रियली आई हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम हिज लेक्चर, मैंने उसकी उनके लेक्चर से बहुत कुछ सीखा है, और उसमें मुझे खुद भी फील हुआ है कि मेरे अंदर जो कमियाँ थीं उनको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे और जो उन्होंने वहाँ पे बातें की, जो उन्होंने बताया कि लीडर की क्या खसूसियात होती हैं, टीम को किस तरह लेके चलना है, टीम को बिल्ड कैसे करना है, टीम को ग्रूम कैसे करना है, लोगों को टॉलरेट कैसे करना है, और उनके उनसे काम कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर रहे थे, बट अभी उन्होंने जिस आस्पेक्ट से, जिस एंगल से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है
वो कमेंडेबल है। सर, जैसे कि इंडस्ट्रीज और भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, सतारा केमिकल इंडस्ट्री के साथ कोई ख़ास कनेक्शन यूएमटी का? ऑब्वियसली सतारा केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लीडिंग रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में दो ही केमिकल बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक इतिहाद केमिकल्स, एक सतारा केमिकल्स, जिनका नाम जो है वो क्लोर अल्कली जो केमिकल्स हैं उनके अंदर आता है। तो सतारा केमिकल्स के अंदर जो स्टाफ के साथ रवैया रखा जाता है, जिस तरह उनको ग्रूम किया जाता है, जो स्ट्रेटजी वहाँ पे बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है और स्टाफ को साथ लेके चला जाता है, ऐसा माहौल जो है वो कम ही इंडस्ट्रीज़ में देखा गया है। सतारा केमिकल जो है वो मेंबर है पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का, PCMA का। हमारा उनके साथ पिछले साल से जो है ना वो इंटरेक्शन चल रहा है और हमने उनके साथ मिलके दो कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं यहाँ पे एक्सपो सेंटर लाहौर में। और हमें पता है कि केमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अंदर जितनी भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उस तरह एकेडमिया के साथ लिंक डेवलप करने में रोल प्ले नहीं कर रही। जिस तरह अदरीस साहब इंटरनी स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, उनको लेके चलते हैं आगे, यूनिवर्सिटीज़ को कहते हैं कि भी अपने स्टूडेंट्स भेजें, उनको फिर ग्रूम करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ट्रांसफ़र करते हैं। नो डाउट कि बाकी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत कुछ अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन सतारा केमिकल्स प्लेइंग ए लीडिंग रोल फॉर देम। Thank you.